हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रिपेयर करने वाले हैं बोट का ये एयर डॉप्स। तो आप ये देख सकते हैं, ये एयर डॉप्स है, ये एयर डॉप्स 141 है शायद। तो इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कि इसमें एक डेड है, चार्ज नहीं हो रहा है, और ये जो है ऑन है, पर कभी कभी केस में लगाने से ये जो है बंद नहीं होता है, यानी चार्जिंग नहीं लेता है। तो इसे जो है स्विच ऑफ होना चाहिए, जब ऐसे करने पे फिर ऑन होना चाहिए, तो ये नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आप क्या देखेंगे, ये डेड होने का दो ही रीज़न है दोस्तों, या तो ये चार्ज नहीं हो रहा है, और या तो इसकी बैटरी ख़राब हो गई है। बैटरी ख़राब होने की वजह से पूरी तरह से डेड हो गया है, इस वजह से जो है ऑन नहीं हो रहा होगा। और ये जो तो केस में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो केस ख़राब हो गया, केस जो है इसको चार्ज नहीं कर पा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये इनके जो पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये डर्टी हो जाते हैं, इन पे जो है गंदगी वगैरह लग जाती है, तो जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं इस पे अच्छे से चिपक नहीं पाते हैं, इस वजह से या चार्ज ना होने की वजह से ये भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनकी कनेक्टिंग पिनस, इसकी भी, केस की भी और इसकी भी, सबसे पहले ये क्लीन करेंगे। अच्छे से क्लीन करना है आपको। और इसकी भी आप कोई शार्प टूल लेके आप उससे जो है इसको रब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमने जो है क्लीन कर लिए हैं, अब ये वाले डालते हैं इसमें, ये वाले ऑन है। आप ये देख सकते हैं कि अब ये जो है रेड लाइट जल रही है इसमें, आप इसको वो करते हैं, देखिए पेयरिंग मोड पे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो है चार्जिंग ले रहा है अब अंदर जाके। तो इसको हम फिर से चेक करते हैं, ये देखिए अभी भी रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब ये है कि अब चार्ज हो रहा है। अब इसमें जो है एक मैग्नेटिक स्विच लगाया था, जिसकी वजह से जो है ये चार्जिंग काम करती है। तो जैसे ही हम खोलते हैं तो मैग्नेटिक स्विच जो है चार्जिंग को ऑफ कर देता है, और ये जो है पेयरिंग मोड पे चले जाते हैं ऑन होने के बाद। अब इसको भी एक बार चेक करते हैं, को जो है तो हमारी जो है दोस्तों, इसमें लाइट नहीं जल रही है। हाँ, जली 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 तो अभी जो है हम थोड़ी देर इसको केस में ही छोड़ देते हैं। और हमें केस का भी जो पिन है दोस्तों, वो भी साफ करनी होगी। तो इसके लिए जो हम केस भी जो है ओपन करेंगे, केस के भी अच्छे से इनकी पिन्स को, हम कनेक्टिंग पिनों को अगर क्लीन कर देंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी जो है, ये वाला भी जो है पेयरिंग मोड पे जा रहा है, इसका मतलब दोनों ने चार्जिंग लेना चालू कर दिया है। ये देखिए, हमें, मुझे लगता है दोस्तों अभी जो है हमें इसकी भी पिनें क्लीन करनी पड़ेंगी, केस की भी। केस को खोलने के लिए आपको ऐसे शार्प टूल की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से ये आराम से ओपन हो जाएगा, और आप लोग भी आराम से ही खोलिएगा, कोई तोड़ फोड़ मत कीजिएगा। अब ये देखिए, मैग्नेटिक स्विच के जो स्ट्रिप है ये है, और चार्जिंग के जो कनेक्टिंग पिन्स हैं ये हैं। तो हमें जो है ये स्क्रू खोलने हैं। ये देखिए,
ये है, तो इसको जो है अच्छे से जो है पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे चिमटी से, ब्लेड से, खुरच के ऊपर का हिस्सा। और थोड़ा सा पीसीबी क्लीनर हम जो है इस पर डाल भी देंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो है इसमें स्प्रिंग लगा होता है और रस्ट वस्ट लगने की वजह से जो है इनकी जो कनेक्टिंग है वो हट जाती है। तो इस वजह से हम इसको क्लीन करने के लिए ऐसे पीसीबी क्लीनर आईपी वगैरह डाल के इसको थोड़ा सा हम पुश करेंगे ताकि जो है अच्छे से क्लीन हो जाए। तो ये तो हो गए दोस्तों हमारे। इसको हम आपसे पैक कर लेते हैं। तो हमारी तो पैकिंग हो गई, अब जो है हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों जो है चार्ज हो रहे हैं। इसमें जो तो लो बैटरी है इस वजह से जो है ये ब्लिंक मार रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से डेड था और अभी इसमें चार्जिंग चालू हुई है इसलिए ब्लिंक मार रहा है। और अगर इसमें दिक्कत निकलती है तो मैं आप लोग को बैटरी भी चेंज करके इसमें दिखाऊंगा अगली आने वाली वीडियोस में। तो अभी तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। देखिए ये पेयरिंग मोड पे भी जा रहा है अब, लेकिन ये जो है स्विच ऑफ हो जा रहा है क्योंकि लो बैटरी है इसमें। तो दोस्तों यही है, इसमें वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कितना वोल्टेज है इसमें। खोलते कैसे हैं ये भी देख लीजिए कि बैटरी लगी कहाँ होगी इसमें। वोल्ट है इसमें दोस्तों अभी, इस वजह से जो है इसमें जो है ऑन नहीं हो रहा। ये 3.7 वगैरह से ऊपर जाते हैं तो ये लो बैटरी शो नहीं करते। तो मुझे लग रहा है मैं आप लोगों को इसमें बैटरी भी चेंज करके दिखाई देता हूँ, क्योंकि दिक्कत तो आ ही रही है इसमें। तो इसको ओपन कर लेते हैं, टेप निकाल लेते हैं। तो ये रही बैटरी और इसमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव हम चेक कर लेंगे। और आमतौर पर जो है दोस्तों सेम ही होते हैं, फिर भी हम चेक कर लेंगे जो सेम डायरेक्शन वाला होता है। जैसे इस पे प्लस है तो सेम डायरेक्शन है, हम जो है बैटरी ऐसे ही लगा देंगे। हम जो है इसमें केस में डालते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों दोनों में लाइट जल रही है, इसका मतलब जो है इसकी कनेक्टिंग पिनों से ही प्रॉब्लम है कि जो है पिन्स नीचे वाली जो पिन्स है शायद उन्हें जो है अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा।
ये देखिए दोस्तों, दोनों ईयरबड्स चार्ज हो रहे हैं और दोनों जो है पेयरिंग पर भी जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।